खतरों के खिलाड़ी 11-17 जुलाई से ऑन एयर होने वाला है, जिसके टेलीकास्ट के लिए सेलेब्स और फैंस दोनों ही बेहद उत्साहित है। वहीं कुछ दिनों पहले खतरों के खिलाड़ी 11 के प्रतिभागियों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां सभी दमदार प्रतिभागी अपने स्टनिंग अवतार में दिखे। ऐसे में खतरों के खिलाड़ी 11 के प्रतिभागी सौरभ राज जैन और आस्था गिल ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया, जहां खुद सौरभ और आस्था ने एक दूसरे का इंटरव्यू लिया। इस दौरान इन दोनों ने बताया कि खतरों के खिलाड़ी 11 के सारे स्टंट्स को उन्होंने किया और किसी भी स्टंट्स को करने के लिए उन्होंने ना नहीं किया। सौरभ और आस्था दोनों ने बताया कि क्रीपी क्रॉल से उन्हें बहुत डर लगता है और स्टंट्स करने के बाद भी उनका डर नहीं गया है, बल्कि और भी बढ़ गया है। वहीं सौरभ ने बताया कि करंट वाले स्टंट से भी उन्हें बहुत डर लगता है, जिन्हें करना आसान नहीं होता है। लेकिन सौरभ की बातों से ऐसा लगा कि फिनाले में शायद वो भी पहुंच गए हैं, क्योंकि एक स्टंट के लिए खुद रोहित शेट्टी ने सौरभ को कहा कि अगर मैं होता तो आगे नहीं जाता। साथ ही आस्था ने बताया कि अब भी उनमें डर है जो गया नहीं है, और बातों ही बातों में इन दोनों ने फाइनलिस्ट के बारे में थोड़ा हिंट दे दिया है, क्योंकि सौरभ ने बताया कि फाइनलिस्ट के बारे में बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप सभी को सरप्राइज मिलने वाला है, जिसे जानने के बाद सौरभ के फैंस रोमांचित हो गए हैं। और रोहित शेट्टी की तारीफ करते हुए आस्था और सौरभ ने बताया कि सेट पर उनकी उपस्थिति ही बहुत बड़ी बात है और उनके होने से स्टंट को करना थोड़ा आसान हो जाता है। वेल, अब फाइनलिस्ट के नाम को जानने के लिए 17 जुलाई से कलर्स पर खतरों के खिलाड़ी 11 के एपिसोड्स को देखने होंगे।